इंडिया विल नीड 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज बाय 2047. यस एवरीवन, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडिया विल नीड 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज बाय 2047. एज सेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया विल बी लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2047. सो डिमांड उस हिसाब से बढ़ेगी ऑब्वियसली, जिस प्रकार से कॉरपोरेट ग्रो होगा एंड स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, 100% सीएस की डिमांड बढ़नी बढ़नी है. सो 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज विच इज ह्यूज. तो जैसे यार मोदी सर ने कहा कि आने वाले समय में 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट होगी और हमारी इकोनॉमी 2047 तक $30 trillion की इकोनॉमी बनने जा रही है. एंड इकोनॉमी बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है फंडिंग आती है, पैसा आता है, कॉर्पोरेट्स बढ़ता है, उसमें कॉर्पोरेट्स बढ़ता है तो गवर्न करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज का रिक्वायरमेंट तो होना ही होना है, नो डाउट एट ऑल. लेकिन यार देखो, जब यू नो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पैसा भी आता है, फाइनेंस भी आता है, तो आशीष सर जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ओवरऑल क्या क्या फायदे होते हैं वो बताओ. तो जैसे अबर सर आपने बताया कि इकोनॉमिक ग्रो होती है तो नो डाउट यू नो कॉर्पोरेट्स ग्रो होंगे, कॉर्पोरेट्स ग्रो होंगे, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, नई नई कंपनीज आएगी. एक बात अबर सर समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारी इकोनॉमी में आउटसोर्सिंग बहुत आ रहा है. सर ये आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्री से लोग अपनी ऑफिस सेटअप यहाँ पे करते हैं और अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं. और हर फॉरेन कंट्रीज के लिए इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है. एंड यूएस से हर साल $66 बिलियन का काम आउटसोर्स हो रहा है. ओह माय गॉड. तो और ये इंडस्ट्री 9% CAGR से कंपाउंडिंग रेट से आगे बढ़ रही है. सी इमेजिन करो, मतलब इससे समझने की वाली बात क्या है दोस्तों कि नो डाउट कंपनीज बढ़ेगी तो गवर्नेंस बढ़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी. करेक्ट है. तो जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ये आउटसोर्सिंग का काम हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि कंपनीज तो बढ़ेगी और गवर्नेंस का भी काम बढ़ेगा. तो डेफिनेटली जैसे हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ने बताया है कि वी रिक्वायर 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज आने वाले सालों में. गाइज, लेकिन एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है, बट सर ये बात सभी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कोई भी कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा आता है, वो कंट्री पैसे वाली बनती है. ट्रू. एंड करेंटली इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड और पूरी दुनिया की नज़र हमारी इंडियन इकोनॉमी है. पूरी दुनिया चाहती है कि हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करें, इंडिया में इन्वेस्ट करें. अब कॉमन सेंस अप्लाई करना, अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या उस पैसे को मैनेज करने वाले लोगों की नीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एब्सोल्युटली सर. फाइनेंस, आई हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस एंड फाइनेंस. सीएस के साथ फाइनेंस इज चेरी ऑन केक. करेक्ट है, ये सोने पे सुहागा है दोस्तों. फाइनेंस की इंपॉर्टेंस को कतई ही इग्नोर मत करना मेरे दोस्तों. मतलब ये एक सिग्नल है, मतलब ये जो हमारे प्रेसिडेंट ने बताया है वो ये बताना चाहते हैं कि गवर्नेंस के साथ साथ फाइनेंस की भी डिमांड उतनी बढ़ने वाली है दोस्तों. सीए में यूएस सर्टिफिकेशन का नाम है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, विच इज अवार्डेड बाय IMA Institute of Management Accountant of US, which has a legacy of more than 100 years and it's a very short duration certification. Guys, you can complete within a span of 9 months only and you can have a basic certification on finance and management accounting. Dosto, you know, it's not something about that we really want to market this और हमें ये प्रोडक्ट को बेचना है, कोर्स को बेचना है, इसलिए हम आपको कहते हैं. लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस ICSI को भी समझ में आई. Yes, but sir, because, yes, ICSI ने MOU साइन किया. आई थिंक मैं वही बात पे आने वाला था सर, वही पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला था कि इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने, ICSI ने जो CMAUS का इंस्टीट्यूट है दैट इज IMA, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है. और उस MOU के तहत यार अगर हमारा इंस्टीट्यूट कहीं पे भी MOU साइन करता है तो कब करता है? जब उनको वो पोटेंशियल दिखता है, नीड दिखती है. तो जब इंस्टीट्यूट को भी सर ये रियलाइज हुआ है कि कंप्लायंस के साथ फाइनेंस अगर होगा ना तो एज सर सेड चेरी ऑन द केक. डेफिनेटली. तो अगर जब हमारा इंस्टीट्यूट भी कहता है कि यार यू शुड डू कुछ फाइनेंस का कोर्स, एंड सर ने जो बताया कोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब सर विद इन 1 ईयर 9 months होता है, क्योंकि अपने बच्चों का बेस है. करेक्ट है, करेक्ट है. वो एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं. हाँ. तो उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बेस है. यस, तो बेस. और 75% MCQs है विदाउट नेगेटिव मार्किंग. दो ही पेपर है सिर्फ. 50-55% ग्लोबल रिजल्ट है. यूनिक के रिजल्ट इसमें 80-90% से कम नहीं जाएंगे. करेक्ट है. तो सी गाइज, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं. हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो अभी बताया वो दोनों चीज़ों कहने का उनका तात्पर्य ये था
कि गवर्नेंस की डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में फाइनेंस की डिमांड भी उतनी ही बढ़ने वाली है. सो प्लीज 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 डू नॉट इग्नोर एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स. Damn, bitch, I'm a go-getter, I'm a heavyweight, and I don't hesitate.